उत्तर प्रदेश के अमरोहा की धनोरा विधानसभा इलाके के गंगा किनारे बसे एक दर्जन से भी ज्यादा गांव वाले आजादी से लेकर आज तक नदी पार करने के लिए रोजाना मौत का सफर कर रहे हैं, लेकिन आज तक अमरोहा जिले के प्रशासनिक अमले से लेकर राजनेताओं को इन गांव वालों की समस्या दिखाई ही नहीं देती और इस समय की वजह से ग्रामीणों को प्रतिदिन मौत का सफर तो तय करना ही पड़ता है। यह वाक्य राजधानी दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरोला थाना इलाके के चकनवाला गांव का है। यहां आजाद भारत में ग्रामीणों का दर्द पुल के लिए झलक रहा है। इस गांव में नदी के ऊपर आजादी से लेकर आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से नदी पार करने के लिए करीब एक दर्जन से ज्यादा गाँव के लोग अपने सामान और वाहन सहित नाव में सवार होकर मौत का सफर तय करके नदी पार करके शहर और जिला मुख्यालय से संपर्क में आते हैं। बाढ़ आ जाने के बाद इन गांव वालों का संपर्क पूरी तरह से शहरों से टूट जाता है। इन सभी गांव वालों को नहर पार करने के लिए सरकार ने आज तक पक्का पुल नहीं बनवाया है, जिसकी वजह से ये गांव वाले नहर को नाव से पार करके अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, पुल ना होने से सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों की पढ़ाई और किसानों पर पड़ता है, क्योंकि नदी पार करके स्कूल जाने के चलते बहुत से बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है और कुछ तो उनके माँ बाप ही नहीं जाने देते। किसी भी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि सिंचाई विभाग ने अस्थायी व्यवस्था करते हुए एक पेंटून पुल को जरूर बनवाया है, जो कि हर साल महज 3 या 4 महीने के लिए बनाया जाता है और बरसात के मौसम से बहुत पहले इसे हटा भी दिया जाता है। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। आप नाव चलाते हैं पे? जी। कब से चला रहा नाव? इसे तो कम से कम 8 दिन होगा। 8 दिन हो गए? हाँ। ये पुल हटने के बाद से? हाँ। पुल तो परसों हटा है। ये परसों हटा, लेकिन इस पे लकड़ी वकड़ी परसों 8 दिन पहले चली गई है। पुल तो अब भी लग रहा है। अच्छा अच्छा, इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं? इससे बहुत परेशानी आ रही है हमें। जैसे कोई इमरजेंसी हो तो फंस जाते हैं उधर ही। अच्छा। हम इधर रह जाते हैं, उधर आवाज़ मारते रहते हैं। यहाँ कितनी नाव चल रही हैं? ये लगभग 2 है इस समय, तो एक बेकार पड़ी है। 2 नाव है। किसकी नाव है ये? ये हमारी है। प्रशासन की अपनी है? अपनी है, खुद की। अच्छा अच्छा, तो ये क्या आमदनी होती तुम्हें इस नाव से? क्या इससे हमें इतनी आमदनी होती है, मतलब गांव वालों से हम नाज उगाते हैं। कितना? लगभग किसी घर से 15-20। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे खर्चा चलता है? हाँ। अच्छा, ये तो चलो तुम्हारे जैसे पुल हटा तो 2-3 महीने की बात हो गई है ना, और इसके अलावा वैसे कैसे खर्च चलता है अपना? फिर अपना इधर उधर मजदूरी करता है। मजदूरी करते हो, ठीक है। इसकी कभी मांग मांग होती? बहुत होती है। काफ़ी काफ़ी लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, कह के जाते हैं कि अब की बार आपकी समस्या सुनी जाएगी। ये नाव तुम्हारी अपनी है? जी, खुद की है। क्या नाम आपका? सतीश। सतीश कौन से गांव के हो? सिसो वाली के। क्या नाम आपका? नेपाल सिंह। समस्या तो जी यहाँ पर जब बाढ़ का पानी आता है इस समय बरसात के समय में, तो यहाँ सारी समस्या होने लगती है। देखो ये बाइक गिर गई है, अभी ऐसा ही जिंदगी और मौत का यहाँ रिस्क रहता है। ये लगभग पीछे दो महीने से ये समस्या झेलते हुए आ रहे हैं हम, और कई वर्षों से चली आ रही है, 20 साल से चली आ रही है समस्या। इधर प्रतिनिधि भी आते हैं और चले जाते हैं, वादे कर करके, झूठे वादे कर करके कि भाई हम आने वाले समय में पुल बनवा देंगे, लेकिन हमें तो अपनी पीढ़ी पूरी बीत गई। ऐसी वादे झेलते हुए वादे करके चले जाते हैं प्रतिनिधि, बोर्ड के समय पर आते हैं घूमने, उसके बाद कुछ लेता नहीं है बिल्कुल भी। और सवारियों का अलग रहता है चार्ज अपना, सो ये बाइक बाइक वाइक जो भी ले जाएंगे निकलने बढ़ने का, नाव का ही एकमात्र साधन है और दूसरा कोई पात्र कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सब लोग मिलकर के गेहूँ दे देते हैं, सारे लोग मिलकर के जितने भी क्षेत्र में आ रहे हैं, 8-10 गांव आ रहे हैं। लगभग 20 किलो गेहूँ जाता है एक परिवार से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.